गुम है किसी के प्यार में शो की लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह आई फैंस के सामने नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा के साथ चल रहे विवादों पर पहली बार दिया बड़ा बयान। आखिर क्यों किया है विराट ने आयशा सिंह को सोशल मीडिया से अनफॉलो। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। आयशा सिंह इन दिनों सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस है टेलीविजन में। गुम है किसी के प्यार में शो से निकलने के बाद आयशा के पास वैसे तो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट हैं, लेकिन फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आयशा किस प्रोजेक्ट को चूज करेंगी। अब तक आयशा ने किसी भी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट नहीं किया है। आयशा बहुत ही जल्दी म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ सकती हैं, लेकिन इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ने आयशा ने सबसे बड़े जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं वो है विराट को लेकर। आयशा सिंह ने यहाँ पर चुप्पी तोड़ी है। नील भट्ट ने आखिर क्यों किया है आयशा को अनफॉलो। फिलहाल आपको बता दें अनफॉलो सिर्फ और सिर्फ नील भट्ट ने ही नहीं, आयशा सिंह ने भी नील भट्ट को अनफॉलो कर दिया है। ये विवाद तब से शुरू हुआ था जब ऐश्वर्या शर्मा ने खतरों के खिलाड़ी में रहते हुए आयशा सिंह को अनफॉलो कर दिया था। जब से ही ये कहा जा रहा था कि विराट और सई नज़दीक आ रहे हैं उस बात से ही ऐश्वर्या शर्मा को बहुत बुरा लगा था और ऐश्वर्या शर्मा ने आयशा सिंह को अनफॉलो कर दिया था, जिसके बाद आयशा ने भी रिप्लाई करते हुए ये कहा था कि इस कॉन्ट्रोवर्सी पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहेंगी। लेकिन जब बात आती है नील भट्ट की तो आपको पता ही होगा कि नील भट्ट और आयशा सिंह एक दूसरे से दिल ही दिल में प्यार करते हैं। आयशा बहुत रिस्पेक्ट करती है विराट की नील की, और नील भी कहीं ना कहीं ऐश्वर्या के दबाव में आकर अनफॉलो ज़रूर कर दिए हों, लेकिन दिल ही दिल में वो भी आयशा के बहुत बड़े फ़ैन हैं। आयशा सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि उनकी पर्सनल राय है, ये उनकी पर्सनल लाइफ है। अगर नील भट्ट किसी को अनफॉलो करते हैं तो इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। मैं अब भी ये कहती हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर नील सर के साथ मुझे मौका मिलेगा, अगर मुझे कोई शो ऑफर होता है सो आई एम रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये देखने वाली बात है कि वो प्रोजेक्ट कैसा होता है, क्या वो प्रोजेक्ट सूटेबल होगा या नहीं। फैंस से पूछे गए सवाल पे कि क्या वाकई सैराट को एक बार फिर देखा जा सकता है स्मॉल स्क्रीन पर, उस पर आयशा सिंह ने साफ तौर पे जवाब दिया है, और यही जवाब जो है वो आयशा के फैंस को बहुत रास आता है। आयशा ने कहा कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही ऐश्वर्या से है, ना ही नील से है। हाँ, हम बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर हैं, मैंने ये शो के सेट पर भी कहा था। अगर हाँ किसी की पर्सनल कोई प्रॉब्लम है तो वो उनका मैटर है, वो मेरा मैटर नहीं है। अगर मुझे किसी के साथ काम करने को मौका मिलता है तो मैं एज एन एक्ट्रेस काम ज़रूर करूँगी। आयशा सिंह ने ये बयान देते ही एक बार फिर जीत लिया है फैंस का दिल। आपका क्या है ओपिनियन, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।